नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। बिग बॉस सीजन 14 में जो अनसीन अनदेखे चल रहे हैं, जी हां, पूरी तरह से वॉच किए जा रहे हैं। सारे फैंस देख रहे हैं सिद्धार्थ की कन्वर्सेशन से चल रही हैं गौहर खान से, साथ में हिना खान से। ऐसे में ये तीनों आपस में बहुत सारे पर्सनल डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला खास तौर से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं गौहर से, लाइक हिना से। और ऐसे में ये सारी बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो रही हैं, जिस तरह से सारी बातें सामने आ रही हैं सिद्धार्थ की। अनसीन अनदेखे जो हमें कैमरे में नहीं दिखाई जाती हैं सारी कन्वर्सेशन, ये सारी बातें स्पेशली, जी हाँ। तो आज मॉर्निंग की बात है, सिद्धार्थ शुक्ला गौहर खान से बात कर रहे होते हैं और वहां पर अचानक से क्या हुआ भाई, सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों में आंसू। क्यों भाई, किस वजह से, क्या हो गया? तो इनफैक्ट सिद्धार्थ गौहर से बोलते हैं कि स्कूल के दिन को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वहाँ पर असल में कुछ बात चल रही होती है और वो बात चलते चलते सिद्धार्थ थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो बातें थोड़ी सी पास्ट के बारे में छिड़ी हुई होती है, वो डिस्कस चल रहा होता है। सिद्धार्थ वहाँ पर इमोशनल ऑलरेडी होते ही हैं और ऐसे में स्कूल टाइम की बात चल रही होती है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने स्कूल टाइम की बातें शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि मेरी मॉम मुझे कितना ज़्यादा केयर करती थी बचपन में, खास तौर से बचपन में इतना ज़्यादा मुझे संभालती थी, हर एक चीज़ को मुझे रोक टोक करती थी, अच्छी बुरी चीज़ क्या है मेरी मॉम ने मुझे समझाया, हर एक चीज़ को मुझे बताया कि तुम्हें क्या करना है बेटा, क्या नहीं करना, आगे तुम्हारा फ्यूचर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। और आज ये सब जिम्मेदारी मैंने उठा लिए और मेरी मॉम ने मुझे इस काबिल बना दिया। अगर मेरी मॉम वो सब लगन नहीं करती तो मैं शायद आज इस मुकाम पर ना होता। तो वहाँ पर सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अचानक से गौहर जो है वो अपने गले लगा लेती हैं। ऐसे मौके में दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, खास तौर से यहाँ पर पिक्चर में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। और फिर सिद्धार्थ रोते रोते उसके बाद से क्या कहते हैं, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, चल चल पागल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इस तरह की बात सामने आती है। गौहर साफ तौर से देखते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशंस निकल के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर सिद्धार्थ ने मजाक में बात जो है वो टाल दी। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ अगली अपडेट्स के लिए भी, जैसे अपडेट्स बाहर निकल कर आती रहेगी मेरा काम है आपसे शेयर करना। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे पल पल की मिस ना हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में।